भी अनावरण किया। पीएम ने कहा कि हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया है। हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था, अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे को स्वच्छ गंगा के अलावा अब एक समग्र कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें गंगा किनारे जैविक खेती और मेडिसिनल प्लांट लगाने के प्रयास हो रहे हैं। अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती। गंगा सदा नीरा और सदा पवित्र कहलाती है। 2014 में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल क्षमता 61.5 मिलियन टन प्रतिदिन थी। प्रदूषित जल गंगा में मिल रहा था। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई। परिणाम जमीन पर दिखने लगे। गंगा को अविरल करने के लिए उत्तराखंड के 17 शहरों में 32 परियोजनाओं को अनुमति दी गई। 153 MLT प्रतिदिन क्षमता वाले STP का निर्माण एवं पुराने 61.5 MLT में से 45 MLT प्रतिदिन की क्षमता वाले STP का विकास किया गया। हरिद्वार की जगजीतपुर में 68 MLT और सराय में 27 MLT, ऋषिकेश के लक्कड़घाट में 26 MLT, मुनि की रेती के चौरपानी में 5 MLT, चंदेश्वर में 7.5 MLT STP और बद्रीनाथ में 1 MLT और 0.01 MLT के दो नए STP प्लांट शामिल हैं। इसके बाद 2014 के मुकाबले अब उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रतिदिन की क्षमता 3.5 गुना बढ़कर 214.5 MLT हो गई है। परिणाम स्वरूप गंगा की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने स्वयं इन सभी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया, साथ ही चंडी घाट पर बने गंगा संग्रहालय का लोकार्पण किया और रोविन डाउन द गैंगीज बुक का भी अनावरण किया। पीएम ने कहा कि हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया है। हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था, अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे को स्वच्छ गंगा के अलावा अब एक समग्र कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें गंगा किनारे जैविक खेती और मेडिसिनल प्लांट लगाने के प्रयास हो रहे हैं। अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए, गंगा की मुख्य धारा और गंगा की सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए गोमुख से गंगा सागर तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की श्रृंखला तैयार की गई है, ताकि दूषित जल गंगा में ना बहे। उत्तराखंड में की गई इन तमाम योजनाओं के लोकार्पण से निश्चित तौर पर नमामि गंगे को बल मिला है। चंद्रशेखर,
गंगा सदा नीरा और सदा पवित्र कहलाती है। 2014 में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल क्षमता 61.5 बिलियन टन प्रतिदिन थी। प्रदूषित जल गंगा में मिल रहा था। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई। परिणाम जमीन पर दिखने लगे। गंगा को अविरल करने के लिए उत्तराखंड के 17 शहरों में 32 परियोजनाओं को अनुमति दी गई। 153 MLT प्रतिदिन क्षमता वाले STP का निर्माण एवं पुराने 61.5 MLT में से 45 MLT प्रतिदिन की क्षमता वाले STP का विकास किया गया। हरिद्वार की जगजीतपुर में 68 MLT और सराय में 27 MLT, ऋषिकेश के लक्कड़घाट में 26 MLT, मुनि की रेती के चौरपानी में 5 MLT, चंदेश्वर में 7.5 MLT STP और बद्रीनाथ में 1 MLT और 0.01 MLT के दो नए STP प्लांट शामिल हैं। इसके बाद 2014 के मुकाबले अब उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रतिदिन की क्षमता 3.5 गुना बढ़कर 214.5 MLT हो गई है। परिणाम स्वरूप गंगा की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने स्वयं इन सभी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया, साथ ही चंडी घाट पर बने गंगा संग्रहालय का लोकार्पण किया और रोविड डाउन द गैंगीज बुक का भी अनावरण किया। PM ने कहा कि हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया है। हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था, अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे को स्वच्छ गंगा के अलावा अब एक समग्र कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें गंगा किनारे जैविक खेती और मेडिसिनल प्लांट लगाने के प्रयास हो रहे हैं। अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए गंगा की मुख्य धारा और गंगा की सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए गोमुख से गंगा सागर तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की श्रृंखला तैयार की गई है, ताकि दूषित जल गंगा में ना बहे। उत्तराखंड में की गई इन तमाम योजनाओं के लोकार्पण से निश्चित तौर पर नमामि गंगे को बल मिला है। चंद्रशेखर। While the states Tamil Nadu and Uttar Pradesh have crossed 1 lakh teleconsultations each, it also said that eSanjeevani has provided various essential medical services during COVID-19 pandemic to the beneficiaries while ensuring social distancing. However, more than 18 states have utilized this mobile application so far to provide medical care to people.